Hello guys, welcome to Clear UPSC PCS. In this video, we will discuss about the World War, which is you can take it as a story. आप एक स्टोरी की तरह भी इसको सुन या देख सकते हैं, या फिर अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, so that's more than beneficial for you. This is the story of World War One. I will tell you the alliances, central power. Treaties, effect of World War First, causes of World War First, through the elaboration and map as well. Then we will see how this war occurs. Okay, so let's start now. Clear UPSC PCS presents this video, and if you want the World War second video also and more video, then please like, share and subscribe this channel. Now if we talk about World War First, it started 28 July 1914 and ended 11 November 1918. So आप देख सकते हैं यह लगभग 4 साल वॉर चली. ओके, इनिशियली जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड नहीं हुआ था तो इसको द ग्रेट वॉर कहा जाता था, द वॉर ऑफ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स एंड ग्लोबल वॉर्स, इन नामों से जाना जाता था. लेकिन उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब इसका नाम बदल करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रख लिया गया, इसको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के नाम से जाना जाने लगा. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पार्टिसिपेंट ऑफ दिस वॉर, कौन कौन लोग पार्टिसिपेंट थे, तो पार्टिसिपेंट्स में अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में ये वॉर हुई थी. अलाइड पावर में रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और लेटर इन 1917 यूएसए आल्सो एंटर्ड. एंड इफ वी टॉक अबाउट सेंट्रल पावर, द सेंट्रल पावर वॉज जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन एम्पायर प्रेजेंट डे टर्की के पास है. नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हमें अलायंसेस देखने होंगे. ऐसा माना जाता है कि लगभग मोर देन 35 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. सो सारी कंट्री ने क्यों पार्टिसिपेट किया, क्योंकि नॉर्मली ये देखा जाता है अगर वॉर होती है तो कुछ ही कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, बट इसमें इतनी कंट्रियों ने इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि इन सब के बीच में अलायंस था. ठीक है ना, तो वो अलायंसेस के बारे में देखते हैं. फर्स्ट अलायंस वॉज ट्रिपल अलायंस इन विच जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी. ऑस्ट्रिया हंगरी को एक साथ माना जाता है, तो ये ट्रिपल अलायंस था. इस अलायंस के मीनिंग ये थी कि अगर कोई भी दूसरी कंट्री किसी भी इन तीनों कंट्रीज के ऊपर हमला करता है तो डिफेंड करने के लिए तीनों कंट्री साथ में हो जाएंगी. ऐसा ही एक अलायंस और था जिसको ट्रिपल एंटेंट बोला जाता है, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया थे. 1904 में ब्रिटेन और रसिया ने फ्रांस और ब्रिटेन ने एक ट्रीटी साइन की. ओके, ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ एंड लेटर 1907 में रूस भी इसमें आकर के मिल गया था. ब्रिटेन बेल्जियम ट्रीटी इन 1839 में ब्रिटेन बेल्जियम ट्रीटी साइन हुई थी. इसको याद रखिएगा, अभी जब मैप के थ्रू मैं आपको वॉर के बारे में बताऊंगा, इट विल ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू. ओके, नाउ जापान ब्रिटेन ट्रीटी अलायंस, दिस इज द बिगेस्ट रीजन वाई जापान एंटर इन टू वॉर. जापान वॉर में एंटर इसीलिए हुआ था. दो फर्दर माइनर रीजन दे बट मेजर रीजन यही माना जाता है कि अलायंस की वजह से एंटर हुआ था. ब्रिटेन भी इसलिए एंटर हुआ क्योंकि बेल्जियम के थ्रू थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, आगे हम देखेंगे. नाउ कॉजेस, इफ वी टॉक अबाउट कॉजेस, बहुत सारे अलायंसेस बन गए थे. अभी जो मैंने अलायंसेस बताए ये कोई ग्लोबल लेवल पे नहीं थे. ओके, तो ये अंदर ही अंदर अलायंसेस थे, तो किसी को पता नहीं था कि इतने ऐसे अलायंसेस हो रखे हैं. किसी को ये नहीं पता था कि इस तरह के अलायंसेस हैं जिससे
अगर एक कंट्री पे हमला किया जाएगा तो बहुत सारी कंट्री इसमें शामिल हो जाएंगी। दूसरी चीज मिलिटरिज्म, तो यूरोप वगैरह में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सारी कंट्री अपना मिलिट्री इक्विपमेंट और डिफेंस इक्विपमेंट जितने भी हैं उनको बढ़ा रही थी। तो उसमें उनमें एक वो टाइप की थी कि कौन डोमिनेट करेगा, तो ये एक मेजर रीजन था। इंपेरियलिज्म भी एक मेजर रीजन था, यूरोप चाहता था कि वो मोर देन वो चाहता था वो पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट करे, पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करे। एक टाइम ऐसा भी आया था कि मोर देन 24% टेरिटरी पे यूरोप क्या कर रहा था, राज कर रहा था। नाउ व्हाट वाज द सडन मूवमेंट व्हेन वॉर स्टार्टेड, तो वॉर स्टार्ट क्यों हुई, तो सडन मूवमेंट क्या था, तो एक फर्डिनेंड नाम के प्रिंस थे, ओके, ये बॉस्निया गए हुए थे घूमने, ओके, बॉस्निया गए हुए थे, तो एक ब्लैक हैंड नाम की एक इंस्टीट्यूशन था, उसने क्या किया कि उसने इनको मरवा दिया, ओके, और एक आदमी था उसने इनको गोली मार दी, इसकी वजह से विद्रोह भड़क गया। ऐसा माना जाता है कि सर्बिया ने ये इस इनकी टेरिटरी को हड़पने के लिए ब्लैक हैंड नाम की जो इंस्टीट्यूशन था उसको बोला था कि इनको मार दो और उसके बाद वो टेरिटरी इनकी हो जाएगी। नाउ वी विल फर्दर टॉक अबाउट वार बाय मैप, ओके। नाउ अब वॉर स्टार्ट हो गई थी, ओके, तो जुलाई क्राइसिस आई, जुलाई 1914 में। रसिया और सर्बियन को क्या कहा जाता था, स्लेविक कहा जाता था। अब ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये ऑस्ट्रिया और हंगरी है, इन्होंने सर्बिया से कहा कि आप बिना वॉर के हमें अपनी टेरिटरी दे दीजिए, बट सर्बिया नहीं माना और सर्बिया ने रसिया से क्या किया कि हेल्प मांगी, ठीक है ना। तो ये अलायंस में थे, तो रसिया हेल्प करने के लिए मान गया और सर्बिया ने फर्दर इधर फ्रांस से भी हेल्प मांगी, क्योंकि ये सब अलायंस में थे, ठीक है ना। अब क्या हो रहा था कि यहाँ पर इंग्लैंड भी बाद में इसमें शामिल हो गया था। जर्मनी ने क्या सोचा, जर्मनी ने सोचा कि पहले फ्रांस की छोटी आ, तो रसिया और फ्रांस ने क्या किया जर्मनी पे, और जर्मनी और ये जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी और ये सर्बिया और ऑटोमन एम्पायर जो था, ये जो टर्की में है इसको ऑटोमन एम्पायर वाले बोला जाता था, ये सब एक तरफ हो गए, ये सेंट्रल पावर थे और अलायंसेस अलग अलग थी। वॉर डिक्लेयर हो गई, ठीक है ना। वॉर डिक्लेयर होने के बाद सबसे पहले क्या हुआ, जर्मनी ने फ्रांस पे अटैक किया, क्योंकि इसे लगा कि सबसे पहले फ्रांस को निपटाते हैं, उसके बाद फिर हम रसिया के पास पावर ज़्यादा है और फिर हम रसिया से लड़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि रसिया ने फिर जर्मनी पे अटैक कर दिया और इन दोनों के बीच में वॉर हुई। जर्मनी ने रसिया के बहुत सारे लोगों को मार दिया और रसिया समझ लीजिए एक हिसाब से हार ही गया था, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी ने क्या किया कि यहाँ पे बुल्गारिया था, ओके, सॉरी बेल्जियम है, तो बेल्जियम में क्या किया कि जर्मनी ने अपना डोमिनेंस क्या किया, जर्मनी तक दिखाना शुरू कर दिया और इसके थ्रू इंग्लैंड जो बेल्जियम, इंग्लैंड ने बेल्जियम को प्रोटेक्ट करने के लिए इंग्लैंड और ये जो पहले अभी भी है यूनाइटेड किंगडम को बोला था यूके, यूके ने क्या किया कि वॉर छेड़ दी अगेंस्ट जर्मनी, ओके। नाउ रसिया फ्रांस ट्रिपल इंटेंट में थे, ओके, तो रसिया फ्रांस और ये सब जर्मनी से लड़ रहे थे। नाउ ये तीनों तरफ से जर्मनी घिर चुका था। इधर क्या हुआ कि ये जो ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर ने क्या किया कि यहां से जितने भी रसिया के जितना भी ट्रेड होता था, सबसे बहुत ज्यादा ट्रेड इस रूट से हुआ करते थे, ठीक है ना। ऑटोमन एम्पायर के पास से ये वाला जो रूट है, इस वाले रूट से हुआ करते, इसको डर्डनल्स स्ट्रेट बोला जाता है। तो क्या किया कि ऑटोमन एम्पायर ने यहाँ से बंद कर दिया इसके रूट को, जिससे रसिया उससे ट्रेड
ना कर पाए, ठीक है ना। नाउ अब क्या हुआ कि तीनों तरफ से जर्मनी घिर चुका था। ब्रिटेन ब्रिटेन और बेल्जियम की ट्रीटी थी, इसकी वजह से ही ये ब्रिटेन जो था वो वार में आया था, ठीक है ना। 1839 में ट्रीटी हुई थी, मैं पहले इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। नाउ जर्मनी ने रसिया पर अटैक किया, ये भी मैंने आपको बता दिया। ऑटोमन एम्पायर ने क्या किया कि यहाँ के रास्ते ये बंद कर दिए, ओके, डोडनल्स स्ट्रेट के थ्रू। और इसके बाद क्या हुआ, सुएज कनाल पे भी थोड़ा सा अटैक हुआ, लेकिन बाद में सुएज कनाल को क्या किया, रिस्टोर कर लिया गया। लड़ाइयाँ कैसे होती थी, लड़ाइयाँ ट्रेंचेस में हुआ करती थी, एक रिवर टाइप का ऐसे हुआ करता था, रिवर टाइप के जो मतलब गड्ढे खोदे जाते थे उसी में रह करके ये लोग लड़ाई करते थे, जिससे इनसे डिफेंड भी हो पाए, ठीक है ना। एक लड़ाई बीच में और भी हुई, बैटल ऑफ सोमी, 1 जुलाई 1916 को, 1 जुलाई 1916 को हुई, और 18 नवंबर 1916 चली। इसमें 80,000 डाइड इन वन डे, ओके, 80,000 पीपल्स एक ही दिन में मर गए, ओके। नाउ जापान और ब्रिटेन ने अलायंस कर लिया था, तो ब्रिटेन जब आया तो उसके उसके लिए फिर जापान को अलायंस के थ्रू यहाँ पे आना पड़ा। इटली ने क्या किया था, इटली पहले सेंट्रल पावर के साथ था, लेकिन इटली ने क्या कहा, इटली ने कहा कि हमने जो अलायंस किया है वो हमने डिफेंस के लिए किया है, वॉर के लिए नहीं। इटली फिर यहाँ से बाहर हो गया और फिर अलाइड पावर के साथ ही लड़ने लगा। जर्मनी के पास अभी नेवल वॉर भी शुरू हो गई जर्मनी की। जर्मनी के पास यू बोट थी, यू बोट जो थी उसने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन मचाया ऑन द एरिया ऑफ इंग्लैंड ऑल्सो। नाउ अभी क्या हुआ कि जर्मनी ने क्या किया कि जो पैसेंजर शिप्स थे, पैसेंजर जो शिप जाते थे उन पे भी अटैक करना शुरू कर दिया। तो जर्मनी एक ऐसे शिप पे अटैक किया जो जिसमें अमेरिका के कुछ लोग सवार थे, और 1917 में फिर अमेरिका के जब लोग मारे गए तो अमेरिका भी एंटर हो गया। अमेरिका बहुत सी इमेंसली अमाउंट में ब्रिटेन को सपोर्ट कर प्रोवाइड कराने लगा, ओके, रिवेंज लेने के लिए। अमेरिका लगभग 10,000 ट्रूप्स पर डे भेजता था ब्रिटेन के पास। नाउ अब क्या हुआ कि रेवोल्यूशन ऑफ रसिया, फरवरी रेवोल्यूशन रसिया में हो गया 1917 में, और अक्टूबर रेवोल्यूशन भी 1917 में हुआ। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है क्लास 9th की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, उसे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब इससे क्या हुआ कि व्लादिमीर लेनिन थे, व्लादिमीर लेनिन ने एक पीस ट्रीटी साइन कर ली, ठीक है ना, और इन्होंने खुद ही वॉर को, वॉर से खुद ही बैक हो गए, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि यूके और फ्रांस लड़ रहे थे जर्मनी से, ठीक है ना। अमेरिका ने बहुत सारे लॉट ऑफ आर्मी और रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए, और फिर इससे क्या हुआ कि सेंट्रल पावर हार गई और एलाइड पावर जीत गई। जर्मनी ने एक पैक्ट साइन किया, सॉरी एग्रीमेंट साइन किया 11 नवंबर 1918 को। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई 28 जून 1919 को, और उसके बाद फिर ये वॉर एंड हो गया। बट ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जर्मनी के ऊपर डेब्ट और जो भी ब्रूटल सप्रेशन हुआ था उसकी वार इंडेमनिटी देने के लिए कहा गया, और अभी 2010 में ये पूरा चुका पाया है। और ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो थी ये के थ्रू जो भी डेब्ट जर्मनी पे आया था, जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन बेकार हुई थी, ये एक कारण वर्ल्ड वॉर टू का भी बना, ओके। नाउ इम्पैक्ट देखते हैं, इम्पैक्ट क्या हुआ वर्ल्ड वॉर का। वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट ये हुआ, 17 मिलियन पीपल डाइड हुए ड्यूरिंग वॉर, 50 मिलियन डाइड ड्यू टू स्प्रेड ऑफ डिजीज, डिजीजे स्प्रेड हो गई उस टाइम, तो उतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, 50 मिलियन लोग मारे गए। मेल पॉपुलेशन बहुत ही रिड्यूस हो गई क्योंकि वॉर में मोस्टली मेल ही जाते थे, तो ऐसा माना जाता है कि एक 3 फीमेल पे केवल एक ही मेल मिल पाता था फॉर द मैरिज। अ लॉट ऑफ कंट्री हैव गॉन इनटू डेब्ट, बहुत सारी कंट्री डेब्ट में चली गई, जो कंट्रीज पहले डोमिनेट करती थी वो डेब्ट में चली गई। जैसे जर्मनी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था वो डेब्ट में चले गए, ब्रिटेन भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था वो भी थोड़ा डेब्ट में गया, यूरोप भी थोड़ा बैक हो गया था उसके थ्रू, ओके। ब्रिटेन एंड फ्रांस एक्वायर्ड जर्मन कॉलोनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मन की कॉलोनी एक्वायर कर ली। यूएसए एक इंटरनेशनल पावर के रूप में उभर के आया। नाउ इफेक्ट ऑफ इंडिया, इंडिया पे क्या इफेक्ट हुआ, लगभग 13 से 14 लाख इंडियंस ने फाइट करी थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, 50,000 उसमें से मारे गए, ओके। अब इसमें हुआ क्या कि इंडिया में भी इस पर इनका वो हुआ, क्योंकि
पहले एक अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट चलता था कि जो भी सात समुंदर पार जाता है वो आता है तो वो अनटचेबल हो जाता है, तो उनको यहाँ पे आने के बाद सोसाइटी में शामिल नहीं किया गया। और इंडियंस ने वॉर इसलिए लड़ी क्योंकि ये चाहते थे, इनको लगता था कि अगर हम ब्रिटेन की हेल्प करेंगे तो क्या होगा कि वो खुश होकर के हमें इंडिपेंडेंस दे देगा, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज हारा वही जो लड़ा नहीं।